है इसका 1 फीट मुश्किल से, मुश्किल से। और इसका हत्ता वगैरह कुछ ना, ऐसा ही है। तो आप लोग पानी पीने कहाँ जा रहे हो? पानी पिए अपने घर पिए, और कहाँ पिए, कहूँ जाओ। और यहाँ तौल वगैरह बाद में जो सूख जाता है वो कहते हैं 1 क्विंटल 2 क्विंटल वो एक्स्ट्रा गन्ना दो, सब तौलेंगे ना, सब तौलेंगे। अच्छा, तो जो गन्ना सूख रहा है तो किसान की गलती है, गन्ना की, गन्ना सूख रहे ट्रांसपोर्ट की, जो चीनी के जो मिल के जो अधिकारी है उनकी गलती है, किसानों पे क्यों धरी जा रही है, क्योंकि इसको नमस्कार, हम दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर में कस्बा खुदागंज में एक सेंटर है खुदागंज आ, यहाँ गन्ना की तौल होती है और काफ़ी ट्रालियाँ खड़ी हैं, ये कई दिन से लोग बता रहे हैं यहाँ खड़ी हुई हैं। हम अपने भैया से पूछेंगे क्या यहाँ मामला है। भैया अपना सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। लाल बहादुर। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ क्या समस्या हो रही है? समस्या ये सबसे बड़ी तो ट्रांसपोर्टिंग की है जी, एक गाड़ी दो गाड़ी भरी जाती है, कभी एक कभी दो, इंडियन पांच पांच गाड़ी, कैसे गन्ना उठे बताओ आप। और जी गन्ना बता रहे हैं कि सूख रहा है, जब उठेगा नहीं, खड़ा खड़ा सूखेगा तो ही जी, तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? काश्तकार का। अच्छा, तो और यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं इधर से उधर, ये नल गड़ा हुआ है इसका 1 फीट मुश्किल से, मुश्किल से। और इसका हत्ता वगैरह कुछ ना, ऐसा ही है। तो आप लोग पानी पीने कहाँ जा रहे हो? पानी पिए अपने घर पिए, और कहाँ पिए, कहूँ जाओ। और यहाँ तौल वगैरह सही हो रही है? तौल होगी कहाँ, जब इंडेंट है, उठान हो नहीं रहा सही। और देखिए आपका क्या नाम है? अर्जुन। अच्छा, कैसे आए हो यहाँ? जिन्ना तुलवाना था तो लियो ना, ना तुलवाए रहो। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकित। अच्छा, आप भी गन्ना तुलवाने आए? तुलवाने आए। और कोई समस्या तो नहीं है? गाड़ी नहीं रहा, कैसे उठेगी भाई। अच्छा, आप बताइए चाचा क्या नाम है? विष्णु। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करने आए? गन्ना तो लेके आए, कई दिन से, तीसरा दिन। हाँ, नहीं अभी तक तुला नहीं तुलो। तो क्या बता रहे हैं जो सेंटर इंचार्ज है वो? क्या सेंटर इंचार्ज है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहुत खराब है, इंडेंट काट दी 1000 क्विंटल की, मोटर जाता है दो। अच्छा, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, तो क्यों नहीं हो रही है, मतलब इसमें किसकी दिक्कत है, कौन नहीं? दिक्कत यार, चीनी मिल पर धाबा लगाकर हमारा दो मोटर गन्ना उठाते हैं तो दो की इंडेंट हमें दे, तो 4-5 की इंडेंट का दे दे, 5 मोटर उठ रहा उठ रही तो गन्ना दे, पेमेंट वेमेंट आ रहे हैं? पेमेंट आ रहा हूँ, जनवरी हुई हो। अच्छा, और चाचा आपका क्या नाम है? राधे श्याम। अच्छा, आपका भी गन्ना है जी? कहाँ से आए हो आप? अकबरपुर से। अकबरपुर से, तो आपका तौल हो गई नहीं हो गई? नहीं है, 3 दिन से खड़े हैं। अच्छा, जो वो काटा खराब था वो सही हो गया? वो पहले सही हो गया। अच्छा, और यहाँ पे कोई पानी उनी की दिक्कत बता रहे? नल है ही नहीं, नल दिक्कत है। देखिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो जानवर गाय घूम रही हैं वो भी बहुत ही प्यासी तड़प तड़प कर मर रही हैं, क्योंकि कहाँ पानी पिए। देखिए चारों तरफ आप देखिए कैसी गाय इन्हें प्यासी घूम रही हैं, यहाँ कौन इन्हें पानी पिलाया, क्योंकि अपने पीने के लिए खुद काश्तकारों पर यहाँ पे पानी नहीं, जो पानी पीने जाना है वो 1-1 किलोमीटर दूर चल के पानी पीने के लिए जा रहे हैं। देखिए जो मतलब कुछ लोग ऐसे अपने डल्लब से लाते हैं तो उनके जानवर देखिए चुन रहे, अगर इन्हें प्यास लगी कि ये बाल्टी में पानी क्या अपने घर से लाएंगे क्या। और देखिए चारों तरफ मात्र कई दिनों से यहाँ बता रहे हैं कि काफी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए तब से खड़ी हुई तौल में, यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत ही दिक्कत है, जिससे कि मतलब कई बार दिक्कत हो रही है, गन्ना सूख रहा है, खुद ही देख लिया आप कि मतलब। और देखिए इधर चारों तरफ काश्तकार बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सबसे खराब चल रही है। और इधर देखिए चारों तरफ, भैया आपका क्या नाम है? प्रमोद। अच्छा, खड़े हो जाओ। कहाँ से आए हो आप? अकबरपुर। अच्छा, तो आपके कौन सी लाके आ ट्राली जी है? डल्लब लेके आ, डल्लब परसों खड़ो है, परसों का खड़ा है, तो बहुत दिक्कत हो रही होगी जानवरों को। जानवर 3 दिन ले जाओ, बार बार लाने पड़ते हैं इनको जानवर, और बाद में काफी यहाँ पे आप देखिए इसमें थोड़ी देर में यहाँ इतनी धूप हो जाएगी कि यहाँ पैर रखने की आपके पैर जलेंगे जमीन से, इतनी धूप हो जाएगी यहाँ। और पानी उनी की व्यवस्था है? पानी ना है, पानी ना है। अच्छा, प्यास लगती है तो कहाँ जाते हो आप? उतर पाली सर। अच्छा, उधर जाते बहुत दूर, और क्या क्या दिक्कत है आपकी यहाँ? जय है समस्या, गन्ना तीसरे दिन तुम बुग्गी भर गन्ना लाओ बताइए भैया। देखिए जो इनका बुग्गी है, डल्लप है, ये बता रहा 3 दिनों से खड़ी है, तो अभी तक नंबर इनका नहीं आया है। और इधर देखिए मात्र ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब चल रही है, यहाँ की चीनी जो
चीनी मतलब चीनी मिल का जो प्रशासन है, जो वहाँ के मतलब जो लोग हैं आला अधिकारी हैं, वो बिल्कुल इसलिए यहाँ सुध नहीं ले रहे क्योंकि किसानों का गन्ना सूख रहा है। देखिए मात्र और थोड़ी देर में इतनी धूप हो जाएगी गन्ना खुद सूखने लगेगा, इसमें नुकसान होगा। फिर बता रहे हैं कि इससे जब मेरा गन्ना सूखता है तो इसमें कुछ चार्ज मेरा कटता है। इधर देखिए काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे मेन समस्या यहाँ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसपोर्ट की है, पानी की और ट्रांसपोर्ट की। तीन दिन में बुग्गी गन्ना सूख गया, दिबाके बाद में कहते एक कुंटल गन्ना उठ दे तो गन्ना तो लेना ना है। अच्छा। मतलब ये कौन कहता है? इंचार्ज कहते हैं, इंचार्ज साहब कहते हैं तीन दिन तक एक गन्ना तुलता नहीं है, बाद में जो सूख जाता है वो कहते हैं एक कुंटल दो कुंटल वो एक्स्ट्रा गन्ना दो तब तौलेंगे ना, तब तौलेंगे। अच्छा, तो जो गन्ना सूख रहा है तो किसान की गलती है, गन्ना की गन्ना सूख रहे ट्रांसपोर्ट की जो चीनी के जो मिल के जो अधिकारी है उनकी गलती है, किसानों पे क्यों धरी जा रही है? क्योंकि इसको देखना चाहिए, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बताइए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं सही है। एक तो जब पेमेंट नहीं आता, जब पेमेंट आने लगा तो किसानों का गन्ना नहीं तुल रहा है।